जी हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूले क्योंकि आप क्रिकेट की कोई भी खबर मिस न कर पाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट आज तक में। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की पूर्व स्पिनर ने बताया चौथे टेस्ट में ऋषभ पंत की जगह केएल राहुल से क्यों करवानी चाहिए विकेट कीपिंग। भारतीय विकेट कीपर ऋषभ पंत का बल्ला इंग्लैंड के खिलाफ चल रही 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में अभी तक खामोश रहा है। 3 टेस्ट मैच हो चुके हैं लेकिन उनके बल्ले से कोई बड़ी पारी नहीं निकली है। 3 मैचों में वो मात्र 27 रन ही बना पाए हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज स्पिनर ब्रैड हॉक का मानना है कि भारत को चौथे टेस्ट मैच में केएल राहुल से विकेट कीपर करानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड में स्विंग गेंदबाजी ने पंत की तकनीकी खामियों को उजागर किया है। हॉक का मानना है कि ओपनिंग बल्लेबाजी करना और विकेट कीपर करना एक कठिन काम है, इसलिए टीम मैनेजमेंट कोई बड़ा फैसला लेने से पहले कम से कम एक और टेस्ट मैच का इंतजार करना होगा। अपने यूट्यूब चैनल में हॉक ने कहा, अगर आप ऑस्ट्रेलिया सीरीज को देखें तो पंत बल्लेबाजी का आक्रामक ब्रांड है। उसने इसे बहुत अच्छे से निभाया है। जब गेंद इंग्लैंड में मूव हो रही होती है तो उसके तकनीकी सामने आती है और वो दिखाती है कि वो उन परिस्थितियों में अनुकूल नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि केएल राहुल के लिए बड़ी चुनौती होगी कि उन्हें ओपनिंग कराना होगा और कीपिंग भी करनी होगी, लेकिन ये करने का उनके पास एक शानदार मौका होगा। उन्हें कहा, केएल राहुल ने पहले भी इस तरह की जिम्मेदारी निभाई है। ये छठे नंबर पर सूर्यकुमार यादव को ओपनिंग हो सकती है। सूर्यकुमार यादव के लिए पोजीशन काफ़ी अच्छा होगा और भारत के लिए काफ़ी अच्छा विकल्प होगा, लेकिन केएल राहुल के वर्ल्ड लोड को भी देखना होगा। यह बहुत कठिन काम है और मुझे लगता है कि केएल राहुल इसे करने में सक्षम है, इसलिए ऋषभ पंत के लिए हनीमून पीरियड खत्म हो सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह अगले टेस्ट मैच में यह बदलाव करेंगे। अगर वह अगला टेस्ट मैच हार जाते हैं तो आखिरी टेस्ट मैच के लिए इसके बारे में सोच सकते हैं।